नमस्कार, मैं हूं श्रीधर शंकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं पांच ऐसी चीज़ें जो फैटी लीवर अगर किसी को हो जाए तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, खाना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आप मेरे वीडियोज़ को देख सकें। दोस्तों, देर ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ ऐसी वो पाँच चीज़ें जो मैंने लेना बिल्कुल बंद कर दिया था और आज तक भी बंद है। नंबर एक, चीनी। चीनी या चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ अगर आपके किचन में है तो तुरंत आप उसे किचन से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। नंबर दो, मैदा या मैदे से बना हुआ कुछ भी प्रोडक्ट आप अपने किचन में कभी मत लाइए, किचन से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। नंबर तीन, बिना सीजन की कोई भी सब्जी है वो कभी अपने घर मत लाइए, अपने किचन में मत लाइए। अगर किचन में है तो तुरंत से पहले उसे निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। नंबर चार, बिना सीजन के फ्रूट्स, अगर बिना सीजन के फ्रूट्स भी अगर आप लाते हैं तो उसे भी तुरंत अपने किचन से बाहर निकालें, अपने फ्रिज में है तो फ्रिज से बाहर निकालें और फेंक दें। नंबर पाँच, पैक्ड फूड, अगर किसी भी प्रकार का पैक्ड फूड आप यूज़ करते हैं, खाते हैं तो तुरंत इसी वक्त से आप उसे बंद कर दें। इन पांच चीज़ों को अगर आप बंद कर देंगे तो फैटी लीवर को रिवर्स करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी और जल्द से जल्द फैटी लीवर को आप रिवर्स कर पाएंगे। तो ऐसी तमाम जानकारियां और देखने के लिए मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इस वीडियो में मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।